रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश की गई है। रूस का कहना है कि आधी रात में यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि हमले में राष्ट्रपति पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमले की टाइमिंग आपको चौंका देगी। रूस पर यह हमला भारत में होने वाली एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक एक दिन पहले हुआ है, यानी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत पहुंचने से ठीक पहले पुतिन को मारने की साजिश की गई। जानकारी के लिए बता दें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्री स्तर की 2 दिवसीय बैठक आज गोवा में शुरू हो रही है। इस बैठक में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान समेत 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि एससीओ बैठक में रूस पर हुए हमले की चर्चा होगी। पुतिन पर जानलेवा हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से भी मुलाकात करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि एससीओ बैठक के बाद रूस एक बार फिर यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर सकता है। रूस पहले ही बोल चुका है कि वो जल्द ही पलटवार करेगा। रूस अगर पलटवार करता है तो जंग और भी ज्यादा भड़क जाएगी। पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस जितना हो सके जंग में उलझा रहे। ऐसी स्थिति में रूस को भारत की अब और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रूस के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से और भी ज्यादा सहयोग की मांग कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि भारत पहुंचने के बाद रूस के विदेश मंत्री चीनी विदेश मंत्री से भी इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से पहले रूस के विदेश मंत्री भारत और चीन के विदेश मंत्रियों से समर्थन जुटाएंगे। हो सकता है कि पुतिन रूस में हर साल 9 मई को मनाई जाने वाली विक्ट्री डे परेड से पहले कुछ बड़ा धमाका कर दें। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि एससीओ बैठक के 8 देशों के विदेश मंत्री रूस पर क्या बयान देते हैं। भारत और चीन के बयान का तो सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि एससीओ बैठक की जॉइंट स्टेटमेंट में अगर रूस पर कोई बयान दिया जाता है तो ये आगामी G20 बैठक का भी एजेंडा तैयार कर देगा। भारत में होने वाली G20 बैठक में पहली बार पुतिन और पश्चिमी देश आमने सामने होंगे।